हे एवरीवन, सो आज यहाँ से हम चेकआउट करने जा रहे हैं और हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकलेंगे जो कि वाल्मीकि नगर के गोल चौक से होकर जाता है। जी हाँ, ये रहा वाल्मीकि नगर का गोल चौक। ये गोल चौक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राउंड सर्कल है। यहाँ से हम आपको ले चलेंगे नर देवी, जो कि जंगलों के बीचों बीच में है। नर देवी क्यों ये नाम हुआ यह भी आपको हम बताएंगे। ये यहाँ पर स्टेट बैंक का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से आपको लेफ्ट घूमना है और यहाँ से एग्जैक्ट 50 to 100 meters पे राइट टर्न आपको लेना होगा। यहाँ पे आपको बोर्ड दिख जाएगा नर देवी मंदिर का, जटाशंकर देवी, कालेश्वर मंदिर, मंदिर का वाल्मीकि आश्रम। सो हमें यहाँ से राइट लेना है। ये सीधे आपको, ये मेन एंट्री गेट है नर देवी का। ये सीधे आपको यहाँ से 2 to 3 kilometers अंदर जाएंगे जंगलों में, सो आप डायरेक्ट नर देवी मंदिर पे पहुँच जाएंगे। यहाँ से कुछ लोगों से बात करने के बाद हमें ये पता चला है कि यहाँ पे शाम को लोग कम ही जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि पहले के समय में मंदिर की परिक्रमा माता की सवारी बाघ द्वारा प्रतिदिन सुबह शाम की जाती थी। ये हमें सुनकर काफ़ी अचंभित हुए, अच्छा ऐसा भी है क्या। अब हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भी लगा हुआ था, ये हम देखकर काफ़ी खुश हुए। चलो मेला भी हम घूम लेंगे। भैया प्रसाद कितने का दे रहे हैं? प्रसाद आप जो बोलिएगा वही बोलिएगा। अच्छा नारियल कितने का है? नारियल 25 का है, मिक्स 35 का है। अच्छा छोटा वाला है। हाँ साइज का डिफरेंट है, खराब दोनों में कोई नहीं। अच्छा एक वो वाला दे दीजिए। और क्या क्या चाहता है यहाँ पे? नारियल, चुंदरी, अगरबत्ती का फूल, ठीक है, और ठीक है लगा। सो मैंने प्रसाद लिया यहाँ से, वनली 95 rupees में नारियल आ गया और लाचीदान और कुछ मेवा और ये माता को चढ़ाने के लिए चुनरी आ गया। तो आइए हम, मैं आपको लेकर चलता हूँ मंदिर के अंदर माता के दर्शन के लिए। नर बलि के कारण इस मंदिर का नाम नर देवी हुआ, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि इतिहास के दो वीर योद्धा जिनका नाम आल्हा एंड उडल था, उन्होंने इस मंदिर का स्थापना किए थे और इस मंदिर में वो दिन रात पूजा श्रद्धा भाव से करते थे। पूजा समाप्त होने के बाद आल्हा उडल द्वारा माता के पैरों में अपने शीश की बलि दी जाती थी, किंतु माता का आशीर्वाद से उनके सिर फिर से जुड़ जाते थे। सो इस वजह से नर बलि के कारण मंदिर का नाम नर देवी हो गया। मैं अभी आपको ले चल रहा हूँ अंदर जहाँ पे माता नर देवी स्थापित हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखे, लेकिन काफ़ी अंधेरा है अंदर, देखते हैं, कोशिश करते हैं आपको दिखता है कि नहीं। होप सो ये वीडियो थोड़ा और क्लियर हुआ होता और आप लोग भी थोड़े अच्छे से दर्शन कर पाते माता के। मैंने काफ़ी कोशिश किया पर वीडियो क्लियर नहीं आया। आइए मैं आपको एक राउंड चक्कर लगाते हैं, मतलब कि परिक्रमा करते हैं इस मंदिर का। यहाँ पे वाल्मीकि जी की भी मूर्ति स्थापित है। यहाँ पे वाल्मीकि जी का भी दर्शन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से पूरे मंदिर का एक छोटा सा दृश्य। यहाँ पे एक अलग से हवन कुंड बना हुआ है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे।
और यहाँ पे हनुमान जी भी थे, तो हमने सोचा कि चलो इनके भी दर्शन कर लेते हैं। सो आज हमें हनुमान जी के भी दर्शन हो गए। अभी एक हमें एक पंडित जी मिल गए हैं जो कि तिलक कर रहे हैं, और एक कुछ ग्रास है, आई थिंक दूब है, जो कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको ये मतलब लगाया जाता है कान में एक गुड लक के लिए। सो हम दर्शन करने के बाद फिर वापस हम निकल रहे थे कि तभी हमें ये 50 मीटर ऊपर एक बाबा का स्थान है, वो चढ़ के जाना पड़ता है। सो हम यहाँ से सोचे कि चलो वह भी देख लेते हैं, यहाँ तक आएँ तो। सो आइए मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पर दिखाने के लिए। ये क्या चीज़ है भाई, इस ट्रीज में लोगों ने क्वाइंस को वो लगा रखा है, और लगा नहीं, आई थिंक किसी हथौरे से इन्होंने वो क्वाइंस को इसमें धंसा रखा है, क्योंकि क्वाइंस सब घूमे पर हुए हैं। अब पता नहीं ये क्या मान्यता है, अब किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करेंगे और बताएंगे। काफ़ी यूनिक चीज़ हमें देखने को मिला यहाँ पे। वो मोड़ता थोड़ी है सिक्का, वो बहुत प्रेशर। और एक और ये यूनिक है, पता नहीं ये कैसे इसमें लगा हुआ है, सबके सब सिक्के जो है टूट मतलब के घूमे हुए हैं, मुरे हुए हैं, देखिए एकदम क्लोजअप। इसको इतने मजबूत सिक्के होते हैं, मोड़ना बहुत आसान नहीं होता। इसको अच्छे चीज से इसको मोड़ा गया, ये जानबूझ के मोड़ा गया। जो अगर किसी को पता है, जो भी यहाँ पे नेपाल या बॉर्डर यहाँ के वीडियोस देख रहे हैं इसको, सो अगर उन्हें पता है कि इसकी क्या मान्यता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर मेरे को पर्सनली नोमेड यशांक इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए इस पेड़ में भी है, देखिए ये सूख गया है, जितने भी सारे पेड़ सूख गए हैं। इस पे भी देखिए, इस पे भी ऐसा ही है। उधर भी इस पे मतलब जितने पेड़ यहाँ पे जंगल में दिख रहे हैं सब पे यही है, यही आ रहा है। सो यहाँ पे एक यूनिक चीज़ देखने के बाद हम अब नीचे जा रहे हैं, उसके बाद आज हमारा ये प्लान है कि हम यहाँ से नेपाल जाएं, और देखते हैं इधर से नेपाल हमें एक्चुअली में जाना है बुटवल। सो देखते हैं कि कितना जल्दी हम पहुँच सकते हैं। सो हम अभी जितना जल्दी हो सके अब हम अपनी कार में जाएंगे, फिर वहाँ से हम नेपाल निकलेंगे।